Optic เป็นไงฮะทีวีแท่นทีวีแท่นเอ็มชัมตี Welcome to TV10 उम्मीद है आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज। TV10 हमेशा आपके लिए नई रिसर्च और एक्साइटिंग न्यूज लेकर आता है और आज की न्यूज है अबाउट TikTok। जी हाँ, TikTok जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका में बैन हो चुका है और इंडिया में बैन हो चुका है। गूगल की तरफ से इसका जवाब क्या आया है और यूट्यूब ने एक नया सेगमेंट मुतारिफ करवाया है जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट्स। जी हाँ, जितने भी TikTok लवर्स हैं अब यूट्यूब शॉर्ट्स TikTok की कमी पूरा करेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए मॉनेटरी बेनिफिट भी लेके आने वाला है, यानी इस पे अपलोड की भी कोई भी शॉर्ट वीडियोस मोनेटाइज भी होंगी और उन पे आपको पैसे भी मिलेंगे, जो कि TikTok या इसी तरह मुतारिफ करवाए जाने वाले एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम रील्स है जो Instagram की तरफ से आया है, वहाँ पे पैसे कमाना नामुमकिन है। आपकी चाहे जितनी मर्जी वीडियोस हो या उनके पे बहुत ज्यादा व्यूज भी हो, लेकिन आप TikTok से या रील्स Instagram के सॉफ्टवेयर से पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन YouTube के अंदर डाली जाने वाली शॉर्ट वीडियोस आपको मोनेटाइज करवाने में भी हेल्प करेंगी, आपके चैनल को ग्रो भी करेंगी और इनसे आप पैसे भी कमा सकते हैं। TikTok की बंदिश के बाद शॉर्ट्स एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है और TikTok लवर्स YouTube शॉर्ट्स को एक TikTok जैसी एप्लीकेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, दैट इज द नंबर गेम, जिसको TikTok और Instagram का रिलीज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर रील्स कभी भी बीट नहीं कर सकता। और दैट नंबर गेम इज TikTok के पास सिर्फ 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी महाना 700 मिलियन लोग TikTok इस्तेमाल करते हैं, जबकि Instagram और उससे लिंक्ड सॉफ्टवेयर रील्स में सिर्फ 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन YouTube के पास TikTok और Instagram दोनों को मिला के उससे भी कहीं ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं, विच आर 2 बिलियन यूजर्स पर मंथ। इन नंबर से पता लगता है YouTube शॉर्ट्स को यूज करते हुए अपनी छोटी वीडियोस को प्रमोट करना निहायत आसान होगा। इसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन है और इस पे आपके चैनल की ग्रोथ के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। अब देखते हैं कि हम शॉर्ट्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले अपने सेलफोन के अंदर आप अपने YouTube को ओपन कीजिए और YouTube को ओपन करने के बाद आप जो कुछ भी YouTube में देख रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही देखेंगे, लेकिन अपने होम पेज पे चले जाइए और आप चेक कीजिए कि आपके होम पेज के ऊपर अगर आपको सर्च के अंदर एक शॉर्ट का अलग से सेक्शन नजर आता है, आपको अपने होम पेज के अंदर शॉर्ट्स का अलग सेक्शन नजर आएगा। जैसे ये होम पेज है, इसमें थोड़ा सा नीचे आइए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप शॉर्ट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं TV10 की कुछ और वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसके अलावा ये ज़ुहिब गेमिंग अरीना की एक वीडियो है। इसके नीचे देखिए आपको एक अलग सेक्शन नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट वीडियोस। इन शॉर्ट वीडियोस को आप लेफ्ट से राइट स्क्रॉल कीजिए और आप देख सकते हैं ये तमाम शॉर्ट वीडियोस हैं और इन सब की लेंथ मैक्सिमम 1 मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से और चैनल्स एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो गलतफहमी ये कहती है कि आपकी शॉर्ट वीडियोस 15 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात गलत है, आपकी शॉर्ट वीडियोस 60 सेकंड तक हो सकती हैं, मिनिमम लेंथ 15 सेकंड है। और ये देखिए यहाँ पे 29 सेकंड 57 सेकंड 49 सेकंड और एक वीडियो यहाँ पे हम 60 सेकंड पूरी की भी देख सकते हैं, दिस इज 1 मिनट वीडियो। तो आप 1 मिनट तक की वीडियो को शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। आप देखिए ये वाली 2 वीडियोस भी पूरी 1 मिनट की हैं। तो दिस इज यूट्यूब शॉर्ट्स। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना भी बहुत आसान है। अगर आपने अपनी ऐप को अपडेट नहीं किया है और आप इंडिया में हैं तो आप सिर्फ सिंपली जाके अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। ऐप को अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर में आइए और यहाँ पे आप माई ऐप्स में जाइए। माई ऐप्स में जाके आप देखिए कि आपकी जो ऐप्स हैं इसमें जो YouTube है क्या वो अपडेटेड है, तो इसको अपडेट कर लीजिए। अगर ये अपडेट नहीं है तो देखिए अपडेट्स आ रहे हैं, इट्स डाउनलोडिंग, और डाउनलोडिंग होने के बाद जब ये ऐप दोबारा खुलेगी तो इसके अंदर हमें नए फीचर्स नजर आएंगे। आपको अलग से किसी भी और ऐप को फिलहाल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। YouTube ने कहा है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये अभी बेटा वर्जन है जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है और बहुत जल्द इसको दीगर ममालिक में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। YouTube के मुताबिक YouTube शॉर्ट्स और इससे रिलेटेड एक्सक्लूसिव ऐप बहुत जल्द 2 से 3 माह के अंदर अंदर दीगर ममालिक के अंदर भी लॉन्च कर दी जाएंगी। और अब अगर हम YouTube की ऐप को खोलें तो इसके अंदर जहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को बटन को दबाइए तो अब आपको अलहदा से एक नजर आएगा टैब, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आप शॉर्ट वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टैब नजर नहीं आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो की तरह इसको रिकॉर्ड करें या कोई भी और वीडियो ले लें और उस वीडियो को लेने के बाद आप जब उसको अपलोड करेंगे उसको नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट करने के बाद जब अपलोड करने के लिए जाएं तो यहां पे जब अपने नाम लिखना है इसका तो आप नाम लिखते हुए सबसे पहले आप हैशटैग लगाइए, उसके बाद आप लिखिए शॉर्ट्स SHORTS, उसके बाद इस वीडियो का टाइटल दे दीजिए, मसलन अमेजिंग वीडियो ऑफ जॉय, और याद रखिए डिस्क्रिप्शन में भी आकर इसको हैशटैग कर दीजिए। ये उस सूरत में है अगर आपको अपनी ऐप के अंदर शॉर्ट्स वाली वीडियोस की ऑप्शन नहीं मिलती है तो ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर सेव हो जाएगी। अब इसको सेव कर दीजिए और आपकी शॉर्ट वीडियो रेडी हो गई। ये यूट्यूब शॉर्ट के सेक्शन में नजर आएगी जैसा कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ।
आपका आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।